नमस्कार एंड वेलकम बैक टू द ट्रैवलिंग माउंट्स चैनल। स्वागत है आप सभी का ट्रैवलिंग माउंट्स चैनल में। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी मैसो सीरीज का एपिसोड 1 पसंद आया हो। लास्ट वीडियो में हम आपको लेकर गए थे रियून्स ऑफ ओल्ड मैसूर पैलेस, कर्नल बेलीज डंजन, स्वामी रंगनाथ टेम्पल, वाटरगेट, जहां पर मैसूर का शेर कहे जाने वाले टीपू सुल्तान ने अपनी आखिरी जंग लड़ी थी ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ। चलिए फिर आज का सफर शुरू करते हैं। हमारा और हमारे गाइड का साथ यहीं तक था। हमें म्यूजियम के गेट के बाहर छोड़कर हमारे गाइड ने हमसे विदा ली। टीपू समर पैलेस, जो कि अब म्यूजियम में तब्दील हो चुका था, यहाँ की एंट्री फी थी 20 रुपीज़ पर पर्सन और आपको ये टिकट ऑनलाइन खरीदनी पड़ेगी। लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप चाहे तो वहाँ से चेक कर सकते हैं। देखो मेरी मम्मी नेहा को फिट करने ही वाली थी कि कैमरे को देखकर रुक गई। ये पैलेस टीपू सुल्तान ने 1784 में बनवाया था। इसे आज की डेट में 237 ईयर्स हो चुके हैं। इसका नाम रखा था दरिया दौलत बाग, जिसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन है द सी ऑफ वेल्थ। सामने पैलेस पे आपको जो एक ग्रीन कलर के कर्टन्स दिख रहे हैं, ये ओरिजिनल स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं थे। इन्हें रिसेंटली लगवाया गया है ताकि अंदर रखी पेंटिंग्स और उनके कलर को सनलाइट, विंड और रेन से बचाया जा सके। यहाँ से आगे मोबाइल के अलावा कोई भी कैमरा ले जाना अलाउड नहीं था। वहाँ पर खड़ी इन महिला गार्ड ने मुझे मेरे गिम्बल को भी आगे ले जाने से मना कर दिया। मैसूर ने टोटल 4 एंग्लो मैसूर वॉर विटनेस किए हैं, जिनमें से 2 पर टीपू सुल्तान ने फतेह हासिल की थी। यहाँ की दीवारों पर उन युद्ध के चित्रों का बहुत ही मार्मिक विवरण किया हुआ है। एक टाइम पे ये हिस्सा पैलेस के मीटिंग एरियाज के रूप में जाना जाता था, जहाँ पर नीचे वाले हिस्से में फाइनेंस रिलेटेड मीटिंग्स होती थी, जबकि ऊपर वाले हिस्से में मिलिट्री रिलेटेड और कॉन्फिडेंशियल मीटिंग्स होती थी। पैलेस के सेक्शन को हवा और नमी ने ऑलरेडी काफी नुकसान पहुंचाया हुआ था। इस पेंटिंग को देखकर ये मालूम पड़ता है कि क्यों मध्यम कद काठी के टीपू सुल्तान को मैसूर का शेर कहा जाता था। भागने का अवसर होते हुए भी उसने अंतिम सांस तक ब्रिटिशर्स के साथ लड़ना पसंद किया। और ये मॉडल दर्शाता है श्रीरंगपटना को, जो कि आज से 200 साल पहले मैसूर की राजधानी हुआ करती थी, जहां पर बैठकर टीपू सुल्तान राज किया करता था। इस पैलेस का हर एक कोना वॉल पेंटिंग्स और म्यूरियल से डेकोरेटेड है। इनको बनाने के लिए जो कलर यूज किया गया था वो वेजिटेबल, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव से एक्सट्रैक्ट किया गया था। और ये थी फ्लिंट लॉक गन्स और कुछ हथियार, जो कि टीपू सुल्तान के समय में उसकी सेना और वो यूज किया करते थे। और ये भयावह दृश्य था एंग्लो मैसूर वॉर का, जहां पर न जाने कितने इंडियन एंड ब्रिटिश सोल्जर्स ने अपनी जान गंवाई थी। और यहां से आगे लगे हुए थे टीपू सुल्तान के पुत्रों के पोर्ट्रेट, जो कि फेमस आर्टिस्ट थॉमस हिकी ने 1801 में बनाए थे। सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाली थी ये पेंटिंग, जो कि डिपेक्ट कर रही थी टीपू सुल्तान को जब वो एक प्रिंस थे। ये पेंटिंग दिखाती है लॉर्ड कॉर्नवालिस को, जब उनको टीपू सुल्तान के पुत्र सौंपे गए थे। इसकी कहानी मैं विस्तार से आगे बताने वाला हूं। <नहीं। laughs>
अब समय था यहाँ से बाहर निकलने का और गार्डन में बैठकर थोड़ा आराम फरमाने का। बस इसके थोड़ी देर बाद हम अपनी अगली डेस्टिनेशन गुंबज के लिए रवाना हो गए। गुंबज, जिसे आप एक मकबरा या टॉम कह सकते हैं, टीपू सुल्तान ने सन 1782 से 84 के बीच में अपने पिता नवाब हैदर अली खान और मां की याद में बनाया था। एक पर्शियन स्टाइल में बना आर्किटेक्चर है जिसके दोनों तरफ गार्डन्स हैं और चारों तरफ और बीच में गलियारे हैं। इन गलियारों से होते हुए आप सीधे पहुंचेंगे बीच में बने एक चबूतरे पर। अंदर जाने से पहले आपको अपने स्लीपर्स या फिर शूज यहां पर उतारने होंगे। और यहाँ से अंदर आपको देखने को मिलेगी टीपू सुल्तान, उनके पिता हैदर अली खान और माँ फ़ख्र उन्निसा की समाधियाँ। चलिए आपको गुंबज के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूँ। तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में जब टीपू सुल्तान की पराजय हुई, तब ब्रिटिश सोल्जर्स ने गुंबज को कब्जा लिया था। आज जहाँ पर आगे की तरफ गार्डन्स है, वहाँ पर बहुत ही घने गलियारे हुआ करते थे जहाँ पर ऊँचे ऊँचे पेड़ थे। ब्रिटिश सोल्जर्स ने उन पेड़ों को काट कर अपने लिए टेंट्स बनाए। गुंबज के चारों तरफ नमाज अदा करने के लिए कुछ जगह बनाई गई थी, जिनको कब्जे के दौरान मेकशिफ्ट हॉस्पिटल्स में कन्वर्ट कर दिया गया था, जहां पर घायल ब्रिटिश सोल्जर्स का इलाज चल रहा था। यह गुंबज एक महान राजा और उसके महान व्यक्तित्व का प्रतीक है। गुंबज के बाद अब हमारी बारी थी संगम की ओर पढ़ने की, जो कि यहां से महज 1.5 किलोमीटर दूर होगा। इस जगह को त्रिवेणी संगम के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे तीन पवित्र नदियाँ कावेरी, लोकपावनी और हेमवती आकर आपस में मिलती हैं। यहाँ पर हमें मिले शशांक, भुवन और चेतन, जो कि अपनी फैमिली के साथ बैंगलोर से संगम घूमने के लिए आए हुए थे। संगम का एरियल व्यू बहुत ही मेस्मराइजिंग था। नदियों के मिलन के बारे में आज तक सिर्फ किताबों में पढ़ा था, लेकिन आज हकीकत में देखने का मौका मिला। लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं, साथ ही साथ आते हैं धार्मिक अनुष्ठानों की पूर्ति के लिए। आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम आपको लेके जाने वाले हैं मीनाक्षीपुरा बीच, जिसके बारे में बहुत कम ही लोगों को पता होगा और जिसके ऊपर एक स्टैंड अलोन वीडियो बनती ही बनती है। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली और भी बेहतरीन वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सकें।